न्यूज आ रही है, एंटार्क्टिका पर स्टडी कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वहां एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गर्म पानी घुस गया है और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिघल रहा है उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 11 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 11 फीट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात इंचों में हो रही थी, लेकिन अब मामला फीट में जा पहुंचा है। ये दावा बहुत डरावना है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 फीट बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है। इंसान की हाइट ही इतनी नहीं होती और मकानों की सीलिंग भी अमूमन 10 फीट ऊंची ही बनाई जाती है। ऐसे में अगर समंदर का पानी ही 11 फीट तक बढ़ गया तो उसके आसपास बसे इलाके तो जल समाधि ले लेंगे। मतलब इंसानों का भी वही हश्र होगा जो सदियों पहले डायनासोरों को हुआ था, लेकिन इंसान डूबकर खत्म होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के जिस ग्लेशियर पर स्टडी करके ये रिपोर्ट पेश की है वो कोई मामूली ग्लेशियर नहीं है। उसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, यानी कयामत लाने वाला ग्लेशियर, क्योंकि अगर ये ग्लेशियर पिघला तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। कयामत लाने वाला ये ग्लेशियर साइज में आंध्र प्रदेश से भी बड़ा है। अब अगर इतना बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका पानी तो तबाही लाएगा ही। वैज्ञानिकों ने पाया कि समंदर का तेजी से गर्म हो रहा पानी इस ग्लेशियर के कई वीक स्पॉट में घुस चुका है। इस वजह से ये ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिसका मतलब एक ही है कि दुनिया के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि कयामत लाने वाले इस ग्लेशियर के पिघलने पर दुनिया भर के समंदरों में 1.6 फीट तक पानी बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि ये ग्लेशियर अकेला खत्म नहीं होगा, बल्कि वो अपने साथ दूसरे ग्लेशियरों में भी उथल पुथल मचा देगा और उन ग्लेशियरों से निकला पानी समंदर का लेवल 1.6 फीट के बाद 9.8 फीट और बढ़ा देगा। मतलब समंदर में 11 फीट से भी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। यानी इस बार डरना वाकई जरूरी है। इस तरह का डरावना दावा सिर्फ इसी रिपोर्ट में नहीं हुआ है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्टडी पेश की है जिसमें सीधी चेतावनी दी गई है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है और अब चाहे जो कर लिया जाए कयामत को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि दावा किया गया कि 2013 से 2022 के बीच बीते 9 साल में समंदर का जलस्तर सालाना औसतन 4.5 मिलीमीटर बढ़ चुका है। समंदर में पानी बढ़ने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि इससे पहले के 9 साल यानी 2003 से 2012 के बीच समंदर का पानी सालाना औसतन 2.9 मिलीमीटर बढ़ा था। यानी समंदर का स्तर बढ़ने की स्पीड तेजी से बढ़ रही है। और तो और रिपोर्ट में दावा किया गया कि 11,000 साल में पहली बार समंदर इतना गर्म हुआ है, जिसका खमियाजा पृथ्वी पर मौजूद एक इंसान को भुगतना होगा, एक इंसान को। और कुदरत की ये मार भारत पर भी पड़ेगी, क्योंकि भारत की तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है जो 9 राज्यों तक फैली हुई है। भारत पर आंच आई तो सबसे पहले आर्थिक राजधानी मुंबई समंदर में समा सकती है। वहीं चीन, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स जैसे देशों को भी खतरा है, क्योंकि इन देशों की बड़ी जनसंख्या तटीय इलाकों के पास रहती है। WMO का दावा है कि चीन का ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई शहर और बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी समुद्र में डूब सकते हैं। ब्रिटेन का लंदन और अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहर भी नहीं बचने वाले। दुनिया की 10% आबादी यानी लगभग 90 करोड़ लोग समंदर किनारे ही रहते हैं। अब अगर समंदर का पानी 11 फीट तक बढ़ जाएगा तो 90 करोड़ लोगों की जान पर बनाएगी। इसलिए WMO का कहना है कि करोड़ों लोगों को अपने लिए रहने का कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा।